नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा। आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। आप सभी को पता है कि संगीत साधना म्यूजिक एजुकेशन कॉलेज के यूट्यूब चैनल से हमेशा कोई ना कोई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आपके खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यारा लेसन सिखाने वाला हूँ, मेरे महबूब कयामत होगी। आपने गाना तो सुना होगा, आज मैं इस गाने को पियानो स्टाइल में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, गाना कुछ ऐसे है। गाने में चार कॉर्ड है, सा गा रे पा नी सा गा रे पा नी सा मा धा और सा गा पा। तो दोस्तों, ये गाना कुछ ऑक्टेव चेंज करके भी बजा सकते हो, सेम ही है। पहले पहले की पहली लाइन महबूब पे धा सा गा कॉर्ड आएगा, और लेफ्ट हैंड में पियानो का पैटर्न कैसे बनेगा, धा सा गा धा सा गा धा सा गा धा सा गा रे पा नी रे पा नी रे पा नी रे पा नी सा मा धा सा मा धा सा मा धा सा मा धा सा गा पा सा गा। तो क्या है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों, पहली लाइन क्या है इस गाने के कॉर्ड्स बता रहा हूँ। महबूब के बाद धासा का कॉर्ड आएगा, बॉगी पे रेपानी कॉर्ड आएगा, उसके बाद अब इसमें मैंने आपको दो कॉर्ड बताए हैं। अब इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि इसका लेफ्ट हैंड में रिदम चलनी चाहिए ऐसे। दोस्तों, पहले तो यही पक्का करना है कि इसकी रिदम कैसे सेट करनी है, जैसे कि ऐसे रिदम बना के ऐसे गाना चलेगा। पहली लाइन है तो पहला कॉर्ड क्या था, धासा का, और दूसरा कॉर्ड रे पा नी। तो देखो, तो दोस्तों, कॉर्ड हमेशा गाने के आखिरी लाइन के आखिरी लफ्ज के बाद बजता है। आपको इंस्ट्रूमेंटल करके दिखाऊंगा।
कॉर्ड चलेगा और इधर लीड चलेगी। दिमाग से भूल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कोशिश छोटी सी पसंद आएगी। अगर कुछ गलत सिखाया तो माफी चाहता हूँ। कई बार बजाते बजाते हाथ छटक जाता है और पता नहीं लगता। मेरी वीडियोस को देख के आपने काफी कुछ सीखने की कोशिश करनी है। जाते जाते नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।